देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। मैं हूं फरजाना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमित शाह ही बने रह सकते हैं बीजेपी के अध्यक्ष, नियम नहीं आएगा आड़े। 9 दिन बाद मिला लापता AN-32 विमान का पहला सुराग, सर्च ऑपरेशन में मिला मलबा। गर्मी के कारण केरला एक्सप्रेस में 4 यात्रियों की मौत, झांसी में उतारे गए शव। बागी होकर भी शिवपाल है सपा के विधायक, घर वापसी की चर्चा तेज। ममता बनर्जी का जबरदस्त हमला, कहा बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के नाम पर ठगने वाले गिरोह के खिलाफ केस दर्ज। चक्रवात वायु पर कैबिनेट सचिव PK सिन्हा की अध्यक्षता में शाम 5 बजे NCMC की बैठक शुरू हो गई है। ममता बनर्जी ने कहा बंगालियों के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक अल्ताफ हुसैन लंदन में गिरफ्तार, हेट स्पीड का आरोप। जेट एयरवेज हाईजैक मामला, बिरजू सल्ला को उम्र कैद की सजा, 5 करोड़ रुपए का जुर्माना। कर्ज शीट और आंसर शीट में 4 छात्रों ने की हेरा फेरी, फोटोशॉप के जरिए बदली रैंक। नोएडा में पुलिस वाले ही चला रहे थे ब्लैकमेलिंग गिरोह, दरोगा समेत 3 सिपाही गिरफ्तार। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज। आय से अधिक संपत्ति मामले में सत्यन जैन और पत्नी को 1 महीने की राहत, बढ़ी अंतरिम जमानत। फ्री सफर योजना पर 30 जून तक सुझाव दे सकेंगे दिल्ली वासी, सरकार करा रही राय शुमारी। हाई कोर्ट ने 60 वेबसाइट और रेडियो स्टेशनों को विश्व कप प्रसारण से रोका। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार पलटने से 3 की मौत, वाहन काट कर निकाले गए शव। प्रचंड गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में राहत की बारिश। GTB अस्पताल से निकाले गए अस्थाई कर्मियों को फिर मौका देगी केजरीवाल सरकार। जहांगीरापुरी इलाके में बदला लेने के लिए युवक की ईंट से कुचलकर हत्या। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।